आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। सारण जिला राष्ट्रीय वैश्य महासभा छपरा के तत्वाधान में महासभा के अध्यक्ष वीरेंद्र शाह मुखिया एवं महासचिव छटीलाल प्रसाद के नेतृत्व में छपरा शहर के गुदरी बाजार में कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क वितरण का कार्य किया गया। महासभा के पदाधिकारियों द्वारा गुदरी बाजार के रिक्शा चालकों, मोटरसाइकिल चालकों, ठेला चालकों, सब्जी विक्रेताओं, किराना दुकानदारों, मिठाई, नाश्ता, चाय बेचने वालों, कपड़ा दुकानदारों, सोना चांदी वाले दुकानदारों तथा बाजार में आए तमाम पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों को मास्क पहनाने का काम किया। साथ ही आमजनों से यह निवेदन भी किया कि वे स्वयं मास्क पहने, अपने परिवारजनों तथा अपने आस पड़ोस के लोगों को भी मास्क पहनने की सलाह दें। यह कार्यक्रम 10 बजे दिन से लेकर 1 बजे अपराह्न लगभग 3 घंटे तक चलाया गया। आज के कार्यक्रम में महासभा के द्वारा 3000 मास्क का वितरण गुदरी बाजार के लोगों के बीच किया गया। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। आज सारण जिला राष्ट्रीय वैश्य महासभा के तत्वाधान में हम लोगों ने छपरा शहर के गुदरी बाजार में मास्क वितरण का कार्य किया, जिसमें कितने लोगों को लगभग मास्क आज आप लोगों के द्वारा हम लोग 3000 से ऊपर मास्क आज हम लोगों ने वितरण किया है, जिस वितरण में छपरा के गुदरी बाजार के सभी व्यवसायियों को तथा व्यवसायी के साथ साथ जो भी रिक्शा वाले थे, ठेला वाले थे, मोटरसाइकिल वाले थे तथा बाजार में आए हुए सभी ग्राहकों को, जो जो लोग बिना मास्क के जो बिना मास्क के थे, जिसमें पुरुष से लेकर महिला से लेकर के बच्चों तक को सबको सारण जिला राष्ट्रीय वैश्य महासभा की तरफ से उन लोगों को मास्क पहनाया गया है। और केवल मास्क ही नहीं पहनाया गया है, उन लोगों से निवेदन भी किया गया है, उन लोगों से आग्रह भी किया गया है कि आप लोग खुद मास्क पहने तथा अपने परिवार के लोगों को भी पहनाने काम करें तथा परिवार के साथ साथ अपने आस पास के लोगों को भी मास्क पहनाने का कार्य करें, ताकि कोरोना से हम लोग मुक्ति पा सकें।